इस लॉकडाउन में क्या किया जाए। अगर आप भी घर में बोर हो रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि एडिटिंग सीखना, तो आज की वीडियो में मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी किसी पीसी पे नहीं बल्कि मोबाइल से ही मैं आपको एकदम बेहतरीन वाली एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें काइन मास्टर की मदद लेनी पड़ेगी। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा। काइन मास्टर या काइन मास्टर प्रो आपके पास जो भी हो, दोनों सेम ही होते हैं, बस दो तीन फीचर ज़्यादा और कम का फर्क होता है दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें वीडियो का रेशियो लेना होता है। रेशियो बोले तो कि अगर आपको लैंडस्केप में बनानी है, पोर्ट में बनानी है या स्क्वायर में बनानी है, तो आपको साइज लेना पड़ेगा कि आपको वीडियो किस में बनानी है। तो देखिए हम लैंडस्केप में बनाएंगे, तो हम लैंडस्केप ले लेते हैं रेशियो, और लेने के बाद में आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आने के बाद में वन बाय वन करके आपको सारे स्टेप में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको काइन मास्टर का मैं पूरा ए टू जेड वन बाय वन करके सारे फीचर्स एक एक करके बारीकी से बता दूंगा। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग का बटन मिलता है। सेटिंग के बटन में आपको ऑडियो में अगर फेड रखना है, फेड आउट रखना है, तो आप उसमें कर सकते हैं। फेड और फेड आउट का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपकी वीडियो जब खत्म हो रही होती है तो आपकी जो वॉइस है वीडियो में वो हल्के हल्के वो भी कम हो जाएगी, ऐसी वीडियो में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। साथ में इसका फ्रेम भी देखने को मिलेगा। एडिटिंग में भी आपको इसकी क्लिप्स वगैरह देखने को मिलेगी। आपको वीडियो की क्लिप्स किस में रखनी है, फिट में रखनी है, किस में रखनी है, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में चलिए अभी ये दोनों जो नीचे वाले फीचर हैं ये हमारे बाद में काम आएंगे। तो सबसे पहले हमें वीडियो को ले लेना है अपने फोन के अंदर। सबसे पहले हमने मीडिया पर क्लिक करने के बाद में कोई सी भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम चलिए गूगल की वीडियो को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको राइट कर दिया है। अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि ये वीडियो, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको तो थोड़ा समझ में आएगा। तो उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, अभी इस पे वीडियो को मैं पहले आपके इसके चारों तरफ वाले ऑप्शन को बता देता हूँ, जो चारों तरफ इसके ऑप्शन है, उसके बाद में मैं आपको और अंदर वाले ऑप्शन बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले अभी मैं आपको मीडिया का हमने आपको बता दिया, मैं आपको लेयर का बता देता हूँ। तो लेयर में आपको मिल जाते हैं फाइव और ऑप्शन में आपको एक मिलता है इमेज का ऑप्शन। तो इमेज पर अगर आपको वीडियो के बीच में कोई सी भी क्लिप ऐड करनी है, फोटोज़ वगैरह, तो आप फोटोज़ को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको ऐड करके दिखाता हूं, तो यहां पर मैंने ले लिया है कि फोटो, और मैंने जान पूछ के फोटो का साइज ये लिया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि जब आपको फोटो को ऐड करना होगा तो ऐड करते टाइम आपके सामने नीचे देखिए यहां पर आपको फोटो की कितनी ड्यूरेशन रखनी है, मतलब कितनी दूरी तक रखना है, तो वो यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां से अगर वीडियो में मुझे फोटो को यहां तक ही शो करना है, तो फिर वीडियो अगर मैं चलाऊंगा तो वो फिर उसके बाद में यहीं तक शो होगा, उसके बाद में वो फिर अपने आप गायब हो जाएगा। देखिए मैंने अभी चला के दिखाया, तो देख सकते हैं आप ये गायब हो चुका है। चलिए अभी मैं इस पर फिर दोबारा क्लिक करने के बाद में आपको कट के ऑप्शन से बताता हूं क्या क्या होता है। तो कट के ऑप्शन से सिंपली आपको, मान लीजिए अगर आपको वीडियो का इतना हिस्सा काटना है, तो आप सबसे फर्स्ट वाले पे कर देंगे ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके उससे आगे का हिस्सा कट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसके ऐसे करते हैं, पीछे का हिस्सा काटना है आपको, तो फिर आप कट पे जाएंगे राइट वाले पे कर देंगे तो आपका पीछे का हिस्सा कट जाएगा। साथ में अगर आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके बीच में से हिस्से को, दोनों को अलग अलग करना है, दो हिस्सों में बांटनी है अपनी क्लिप को, तो आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे स्प्लिट एट प्ले हेड पे करेंगे तो आपके सामने दो आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारी जो क्लिप थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। चलिए अभी हम दूसरा ऑप्शन बताते हैं। एक को हम डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे हम फिर से आ जाते हैं। डिलीट करने के लिए आपको साइड में क्लिक करना पड़ेगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको साइड के भी कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। इसके साथ ही आपको देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहा है, तो इसमें आपकी जो लेयर है उसको आप डबल कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको सेंटर में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपली आप कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपकी बार बार क्लिप इधर उधर हो जाती है, या आप कन्फर्म हो गए हो कि आपको अब क्लिप को इधर से उधर नहीं करना है, तो आप पिन पर क्लिक कर दीजिएगा, और पिन पर क्लिक करने के बाद आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए अभी हम आगे और ऑप्शन बताते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी मैं सेंटर पॉइंट वाला ऑप्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें का आपको क्या होता है, इसमें जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज एकदम सेंटर में आ जाएगी, एकदम पूरी जो स्क्रीन है उसमें एकदम कवर हो जाएगी, इसमें नीचे की साइड हो जाएगी, इसमें ऊपर की साइड हो जाएगी। तो ये एकदम कह सकते हैं कि वीडियो के हिसाब से सेट कर लेता है। जिस तरीके से आप करेंगे, अगर आप फर्स्ट वाले पे करते हैं तो पूरे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा,
इस सेकंड वाले पे करते हैं तो आपके नीचे की साइड आ जाएगा, फिर टॉप की साइड आ जाएगा, लेफ्ट राइट ऐसे करके ये आपका साइड होगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, इमेज को आपको रोटेट करना है, अप डाउन करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको चलते हैं एनिमेशन की तरफ। तो एनिमेशन में आपको सबसे पहले इन एनिमेशन में आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों होता यह है कि अगर जब आपकी इमेज आती है तब आपकी इमेज किस स्टाइल में आएगी, कौन सा एनिमेशन लगाना चाहते हो। जैसे आप फेड लगा सकते हो, तो देख सकते हैं फेड में आपकी इमेज ऐसे आएगी हल्की सी ब्लर होते हुए, और पॉप में आपकी एकदम अंदर से बाहर की साइड निकलेगी। तो ये सारे एनिमेशन आप कर सकते हैं। मैं सारे नहीं दिखाऊंगा करके, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, तो मैंने अभी इसको फेड पे कर दिया है। उसके बाद में ओवरऑल एनिमेशन, जब आपकी वीडियो चल रही है तो वीडियो के बीच में वो एनिमेशन कौन कौन सा लगना चाहिए। जैसे आपका शुरुआत में तो मैंने वो फेड वाला लगा दिया, अब उसके बाद में जब तक आपकी ये क्लिप रहेगी तब तक कौन सा एनिमेशन उसमें बार बार आता रहेगा। तो मैं इस पे ब्लिंक शो पे कर देता हूँ, स्लो पे। तो अभी देख सकते हैं आप हमारा ये डिप डिप करने लगा है। तो चलिए अभी हम आउट एनिमेशन पे करते हैं कि जब आपका क्लिप खत्म होगा तब कौन सा एनिमेशन होना चाहिए। तो मैं स्लाइड राइट कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको राइट कर दिया। तो मैं अभी आपको एक बार फिर इसमें वीडियो चला के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा भी है हमारा फेड करके आया है, और उसके बाद में देखिए और ये ब्लिम ब्लिम कर रहा है, और ब्लिम करने के बाद में अभी देख सकते हैं इसका आउट एकदम स्लाइड से होगा। तो स्लाइड से हमारा आउट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। साथ में अभी हमारा ऑप्शन आता है क्रॉप का। तो ये इमेज मैंने इसीलिए ही ऐसा लिया था कि जिससे मैं आपको क्रॉप भी बता सकूँ। तो सबसे पहले आपको मास्क पे क्लिक करना है, और मास्क पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से शेप्स भी ले सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे को रेक्टेंगल में रखना है, तो मैं रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद में मैंने इसको जो मेरे को एरिया कट करना है वो मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद मैं इस पे राइट कर दूंगा। तो राइट करने के बाद आप देखेंगे तो मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अगर मैं सर्कल में करके दिखाऊं तो मैं एक बार आपको सर्कल में भी करके दिखा दूंगा, सर्कल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सर्कल में देख सकते हैं, सर्कल में मैंने करके इस पर राइट कर दिया है, और अभी देख सकते हैं आप मेरी इमेज सर्कल में हो चुकी है ये बिल्कुल। तो अभी हमारी ये इमेज सर्कल में हो गई है। तो अभी मैं इसको फिर से इसकी इमेज को मैं रेक्टेंगल में ही रहने देता हूँ। रेक्टेंगल में करने के बाद यहाँ से आपको शेप वेप सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी इमेज अच्छे से क्रॉप हो चुकी है एकदम बिल्कुल। तो चलिए अभी हम आगे वाले ऑप्शन पे पढ़ते हैं। तो अभी मैं इसका ये भी बता देता हूँ फेड क्या होता है। फेड दोस्तों आपको हल्का हल्का साइड से ब्लर मिलेगा, फैदर मिलेगा। तो फैदर आप समझ सकते हैं हल्का हल्का धुंधला धुंधला होता है साइड में से। चलिए हम बैक कर देते हैं, और अभी हम अल्फा पे जाते हैं, मतलब कितनी इमेज आपको हल्की रखनी है, कितनी ज़्यादा दिखानी है। पीछे की वीडियो में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो हल्की और एकदम फुल कलर हो रही है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कलर इफेक्ट्स। तो कलर इफेक्ट्स में सिंपली हमें हमारी जो इमेज है उसका हमें कलर्स वगैरह सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। जो भी हमें आपको फिल्टर लगाने हैं अपनी वीडियो में वो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ठीक इसी तरीके से जो आपने पहले क्लिप ले रखी है, जो मैंने गूगल वाली ली है, उस पर भी आप अपनी क्लिप्स वगैरह जितना भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो सारा कुछ आप उसमें गूगल वाले में भी सेम कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ से आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, फिल्टर्स आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही में आपको एडजस्टमेंट मिलता है, एडजस्टमेंट में आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें आप मतलब कलर एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको लास्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ ब्लेंडिंग का। तो ब्लेंडिंग वाले में दोस्तों आपको ऑप्टिमाइज्ड का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अगर आपको इमेज को थोड़ा हल्का करना है हल्का कर सकते हैं, डार्क मतलब फुल एकदम करना फुल कर सकते हैं, ओवरले करना है ओवरले कर सकते हैं, वीडियो में मिक्स करना है मिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे अभी हमारा गूगल भी चमक रहा है और साथ में हमारी इमेज भी चमक रही है। तो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देखिए कि मतलब आसमान को हम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें कि इसका यूज कैसे करते हैं, आप देख लीजिएगा। तो अभी तक मैंने इसको आपके सारे ऑप्शंस बता दिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं स्पेशली उस टॉपिक के ऊपर एकदम फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। चलिए अभी मैंने आपको क्लिप का सारा बता दिया है, और अभी मैं आपको इसमें इफेक्ट्स का बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये होते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ को ब्लर करना है दिखाना नहीं है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए अभी मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी मेरा ब्लर हो गया है जो मैंने लगा रखा है इसमें लॉकडाउन वगैरह का, तो वो ब्लर हो चुका है एकदम। देखिए
अगर मैं इसको आपको आधे साइड दिखाऊं तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, देख सकते हैं। और इसमें भी यही सारे ऑप्शंस होते हैं, तीनों ऑप्शंस यही है, एनिमिनेशन इन, एनिमिनेशन आउट, ये सारे तीनों ऑप्शन आपको यही मिलेंगे। इसमें सेटिंग्स में आपको यही मिलेगा, ब्लर कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने ब्लर ज़्यादा कर दिया है, तो आपको इस चीज़ को पता लग गया होगा। और अल्फा वगैरह, ट्रिम वगैरह, शेप्स वगैरह, शेप्स आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सर्कल में देनी है, रेक्टेंगल में देनी है, सारा चीज़ इसमें वही होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, रोटेट वगैरह, ये सारा कुछ इसमें हमारा सेम है। चलिए अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं एफएक्स को, और साथ ही में अभी हम इसमें दो ओवरले में देखते हैं। ओवरले में आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को केक का लगाना है, तो मैंने केक का स्टिकर लगा दिया है, देख सकते हैं अभी आप। और यहाँ से हम केक का स्टिकर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, केक पे क्लिक करेंगे और केक को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, स्टिकर्स लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही है। साथ में आपको टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट लगाने के लिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। थोड़ा छोटा करने के बाद मैं आपको टेक्स्ट में क्लियर क्लियर शो करके दिखाऊंगा इसमें वाइट पे। तो टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट लेने के बाद जैसे कि हम लिख देते हैं टैग ऐप, अपने चैनल का ही नाम लिख रहे हैं हम, तो टैग ऐप हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया। और लिखने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा, हम इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद में फिर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपका कुछ मिस हो गया है वर्ड्स या कुछ और भी लिखना है आपको, तो आप कीबोर्ड पर जाके दोबारा से लिख सकते हैं सिंपली। अब मैं आपको फॉन्ट्स के बारे में बता देता हूँ, तो इसमें आपको फॉन्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लैटिन फॉन्ट्स मिल जाएंगे, अदर मिल जाएंगे, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हमने एक सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं अब उसके बाद में आपको कट का ऑप्शन आता है। कट में सिंपली फ्रेंड्स वही है जो मैंने आपको क्लिप कट करके दिखाया, जैसे मुझे आगे का कट करना है मैं आगे का कट कर दूंगा, पीछे का करके दिखाना है पीछे कर दूंगा, और दो भाग में डिवाइड करना है तो दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। इसको आप पकड़ के ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट हो जाता है। चलिए अभी मैं आपको इसका कलर चेंज कर देता हूं, तो कलर भी मैं इसका ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक कलर कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और आपको ये तीनों ऑप्शन भी वही ऑप्शन है कि इन एनिमिनेशन इन, और ओवरऑल एनिमिनेशन, और आउट एनिमिनेशन, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं इसको पॉप कर देता हूं, और उसके बाद में मैं इसका और चेंजेस कर देता हूं। ओवरऑल में जो हमारा वीडियो जब चलेगी तो बीच में किस तरीके से होना चाहिए, तो देखिए मैंने अभी ये वाला लगा दिया है इसमें, और लगाने के बाद में साथ ही भी मैं आउट एनिमिनेशन में मैं इसका कोई बढ़िया सा लगा देता हूँ इसमें, एग्जिट ऊपर स्लाइड की तरफ मैंने लगा दिया है, एग्जिट स्लाइड अप। चलिए अभी मैं और ऑप्शन बताता हूँ आपको इसके बैक करके, तो फिर से दोस्तों वही ऑप्शन है अल्फा वगैरह, रोटेट वगैरह, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया मैंने। और आपको यहाँ पर तीन लाइंस मिलती हैं, जैसे कि अगर आपको राइट साइड रखना है आप राइट साइड रख सकते हैं, लेफ्ट साइड रखना लेफ्ट साइड, छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट लेफ्ट और सेंटर में, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। हमारा अब आ जाता है शेडो, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शेडो इसमें ऑन रहता है, अगर मैं ऑफ करूंगा तो आपको देखिए अब ये ऐसा है इमेज, अगर मैं शेडो ऑन करता हूं तो अब हमारा ऐसा होगा, तो अभी हमने शेडो ऑफ कर दिया। साथ में हमारा आ जाता है ग्लो, तो ग्लो होता है कि हमारी जो टेक्स्ट होता है उसके साइड साइड में ग्लो, तो उसका आप कलर भी चेंज करते हो को कर सकते हो, जैसे मैं अभी रेड करना चाहता हूं तो रेड पे करके और मैं इसका ग्लो को पूरा कर देता हूं। अभी हमारा थोड़ा 50% था, तो मैं भी इसको पूरा कर देता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के साइड साइड में ग्लो आ चुका है। ऐसे ही आप शेडो का भी कलर चेंज कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, आउटलाइन लगा सकते हैं आप, जैसे आउटलाइन इसमें वाइट लगा रखी है तो मैं अभी इसमें ग्रीन लगाता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट कर दिया है मैंने, देखिए आउटलाइन भी इसमें आ चुकी है। बैकग्राउंड कलर, जैसे आपको बैकग्राउंड में क्या कलर देना है, तो अभी इसमें ट्रांसपेरेंट है हल्का सा है, तो मैं रेड कलर दे के दिखा देता हूँ आपको। रेड कलर करके यहाँ से आपको एडजस्ट जरूर करना है, देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कलर नहीं मिले तो आप यहाँ पर इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपने कलर को ढूंढ सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप सिंपली। तो राइट कर दिया मैंने, राइट करने के बाद देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का हो गया है। सिंपली आप इसको कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन के ऊपर, ब्लेंडिंग का ऑप्शन बताते हैं हम आपको। ब्लेंडिंग का ऑप्शन हमने आपको पहले से ही बता रखा है, बताने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, आप इस चीज़ को जानते ही हैं ब्लेंडिंग के ऑप्शन को। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस टेक्स्ट को हम एक बार आपको चला के दिखा देते हैं कैसे शो होगा, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा शो होएगा ये, और देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा थोड़ा थोड़ा कम शो हो रहा है क्योंकि हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन वहाँ से बंद कर दिया था।
चलिए अभी हम टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद आपको और भी ऑप्शंस दिखा देते हैं। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है इसमें हैंडराइटिंग। तो जैसे कि अगर आप टेक्निकली वीडियो बनाते हैं या कोई सी भी वीडियो बनाते हैं, तो आपको अगर हाईलाइट करना होता है उसमें, जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ पे बॉक्स दिखाना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे बॉक्स बना हुआ आता है, मेरी वीडियो में भी आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ों पे बॉक्स बना हुआ आता है। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरीके से बॉक्स लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं चलिए एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको जो भी लाइन होनी चाहिए उसके और कितनी ज़्यादा पतली होनी चाहिए। चलिए अभी मैं आपको इसमें सेलेक्ट करके और मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको सिंपली ऐसे करना होगा, देखिए ये बॉक्स आ चुका है। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन पे दिखाना है कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 3 लाइन्स है, जो भी टेक्निकली आपको दिखाना होता है, तो आप इस पर करके सिंपली ऐसे बॉक्स ला सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे आपको तो एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, कहीं भी मूव कर सकते हैं हम। सिंपली इसमें दोबारा से वही ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम वही ऑप्शन है कि आपको टेक्स्ट को कैसे रखना है। देखिए सिंपली अभी मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, इसमें एकदम बिल्कुल वही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर कुछ अलग है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं कुछ भी अलग नहीं है, सारा कुछ इसमें सेम है। तो ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, मैंने पहले ही बता रखे हैं सारे ऑप्शन, खामखा वीडियो बड़ा होगा। चलिए मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद में यहाँ मैंने आपको सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं, और मीडिया भी सारे ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आ गया हमारा वॉइस। तो वॉइस सिंपली दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो आप इसको स्टार्ट पर क्लिक करके डायरेक्टली सिंपली कोई भी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसमें जो आप रिकॉर्ड करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो ये वो भी रिकॉर्ड में ले रहा है। चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, स्टॉप करने के बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर देता हूं। तो यहां से आप डायरेक्टली आप वॉइस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आ जाता है हमारा फ्रेंड्स ऑडियो। तो ऑडियो में जैसे कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है या बीच में कोई सा भी म्यूजिक लगाना है, तब उसे आप लगा सकते हैं। मेरी वीडियो में आप देखेंगे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तो वो यहीं से लगता है। कोई सा भी म्यूजिक आप ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो मर्जी है आपको वो ले सकते हैं। आप इसको लेकर सिंपली ऐड कर दीजिएगा। मैं इसमें साउंड बंद कर रहा हूँ इसका, जिससे कि आपको मेरा साउंड क्लियर आए। तो अभी देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 2 बार ले लिया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिंपली चलाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ऑडियो भी बिल्कुल प्ले होगा। देखिए यहाँ पर मेरा ऑडियो साथ में प्ले हो रहा है, वो मैंने आपको आवाज़ बंद कर दिया इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे हमारा ऑडियो प्ले हो जाता है। चलिए ऑडियो पे क्लिक करके हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। तो ऑडियो पे क्लिक करके हमें और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे हमें इसमें वॉइस का ऑप्शन मिल रहा है, ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है कि आपको ऑडियो कितना रखना है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा 175 से आप ज़्यादा ना करें, नहीं तो ऑडियो हल्का हल्का फटने लगता है। तो यहाँ से आप ऑडियो को सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर आप ऑटो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस और मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको, आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत सारे गाने सुनते हो, तो किसी में आपको एकदम ही कभी लेफ्ट में आवाज चली जाती है आपके एयर में, कभी राइट में आवाज जाती है लीड के अंदर, तो ये इसी से होता है कि जैसे कि अगर आपको अभी आपका ये पूरा एकदम सेट है कि आपके दोनों कानों में एकदम फिट आवाज आएगी, एकदम सेट एकदम फिट आवाज आएगी, तो अगर आपको जैसे ऑडियो लेफ्ट लेफ्ट में रखनी है तो लेफ्ट लेफ्ट में रख सकते हैं आप, और राइट राइट में रखनी है तो राइट राइट में रख सकते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट राइट में हो जाती है आपकी आवाज़। साथ ही में अगर आपको अपनी पिच बोले तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप जो चीज़ बोलते हो उसको, जो आप वॉइस रख रहे हो अपनी, उसको अगर आपको मोटा करना है तो आप इसको कम कर दीजिएगा, और उस वॉइस को आपको पतला करना है तो आप इसको ज़्यादा कर दीजिएगा। ज़्यादा कर दोगे कार्टून की तरह हो जाएगा, पतला कर दोगे आप तो आपका एलियन की तरह आपका साउंड इसके अंदर हो जाएगा। चलिए इसको हम पूरा पहले की तरह कर देते हैं, हमें इसको छेड़ाखानी नहीं करना, हमें सिर्फ आपको समझाना था। तो इस पर अभी हमने राइट कर दिया, और राइट करने के बाद में फिर से हम जाते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है सेकंड ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो ये है दोस्तों इक्वलाइजर। तो यहाँ से आप अपनी आवाज को जैसे बेस बूस्ट कर सकते हैं, और एम्प रेडियो, मतलब ये बहुत सारी आवाजों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में ये सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा है, इसी वजह से मैं अपनी वीडियो को काइन मास्टर में एडिट करने लगा हूँ। फ्रेंड्स ये क्या होता है, जैसे कि आपने कभी कभी रिकॉर्ड करते हो, अगर आप क्लिप वाइज रिकॉर्ड करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पहली क्लिप रिकॉर्ड कर लिए तो दूसरी क्लिप में आपकी आवाज कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं कम हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ से आप अपनी आवाज को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी आवाज कहीं कहीं ज्यादा हो गई है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके अपनी आवाज को कम कर दीजिएगा, तो वहां पर आपकी आवाज कम हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर आपकी फिर आवाज ज्यादा है,
तो यहाँ पर आपकी आवाज़ कम है तो यहाँ से ज़्यादा कर दीजिएगा, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वॉइस को सेट कर सकते हैं और एकदम इक्वल रख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट में मेरे को बता देना। साथ में अगर आपको वॉइस चेंज करनी होती है अपनी यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपनी वॉइस चेंज कर सकते हो। जैसे वुमेन की करनी है वुमेन की कर सकते हो, स्पेस की कर सकते हो, रोबोट की कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी सारी वॉइस को चेंज कर सकते हो जो आपकी वीडियो में है। चलिए और मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो मेन मेन ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको, जो आपके काम के नहीं उन्हें मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको सारे ऑप्शंस ही बताए हैं। तो अभी आ जाते हैं हम लोप पे। तो लोप पे हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारा नीचे वाला ऑप्शन खुल जाता है लोप टू एंड। जैसे आप लोप टू एंड पे क्लिक करते हो तो आपकी जो क्लिप आपने ऐड करी है वो एकदम एंड तक पहुंच जाती है। देखिए जैसे ये पहुंच गया है। अगर मैं इस वाली पे करके दिखाऊंगा आपको, तो देखिए इस पे मैं लोप पे क्लिक करके इस पे करता हूं, तो वैसे देखिए मेरी ये वाली भी एंड तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से आप इसमें सारा कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिंपली मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। अभी मैं इसको राइट कर देता हूँ, और राइट करने के बाद में अभी मैं मेन क्लिप पे आ जाता हूँ जो हमारी मेन क्लिप है। तो अभी मैं आ गया हूँ गूगल के ऊपर। तो अभी मैं गूगल के ऊपर बताऊँगा। तो गूगल के ऊपर जैसे कि आपने ट्रिम का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन इसमें ट्रिम का एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद में आपके बीच में दो आपकी जो क्लिप है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद में आपके बीच में एक इमेज आ जाएगी। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं वहां की इमेज मेरे पास आ चुकी है। तो और मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए अब ये चल रही है, और देखिए यहाँ पर मेरे को इमेज मिल चुकी है जहाँ से मैंने इस पर क्लिक करा है। तो यहाँ से आप इमेज भी ले सकते हैं। तो ये इसमें एक न्यू ऑप्शन था, तो और ये मेरे को बताना ज़रूरी था। चलिए अभी मैं फिर से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में मैं आपको इसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ। कट में मैंने पहले ही बहुत सारा बता रखा है, इसलिए कट का मैं और बाकी ऑप्शन नहीं बताऊँगा। चलिए अभी मैं सेकेंड ऑप्शन पर जाता हूँ। तो सेकेंड ऑप्शन मुझे बहुत बेहतरीन लगता है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन खासतौर पर तब यूज़ होता है अपनी क्लिप पर कोई लोगो वगैरह लगाते हो अपना, या कुछ भी लगाते हो और आप चाहते हो कि आपकी वीडियो कोई और कॉपी ना करें, कोई और उठा के पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें। चलिए मैं इसका भी बता देता हूं आपको। तो इसका ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने लोगो लगा रखा है, तो आपका लोगो राइट से उठ के लेफ्ट चला जाए, या ऊपर से उठ के नीचे आ जाए, नीचे से उठ के राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन, मतलब कहीं भी वीडियो में चला जाए। चलिए मैं लोगो का ही बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोगो को सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो अभी हम एक लोगो लेंगे मीडिया में जाके, लोगो या फोटो कुछ भी हम ले लेते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है लोगो ही लेना हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है एक लोगो, देख सकते हैं ये हमारे चैनल का लोगो है। चलिए अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए अभी यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको इसमें राइट करता हूँ। राइट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ देखिए किस तरीके से हमारा इंटरफेस होगा। देख सकते हैं आप हमारा किस तरीके से इंटरफेस हो रहा है। तो इस तरीके से आप वीडियो में भी लगा के इसमें लेफ्ट राइट अप डाउन भी कर सकते हैं। और लेफ्ट राइट अप डाउन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सिंपली अभी मैं इसको पूरा का पूरा पहले की तरह करता हूँ, और करने के बाद में मैं इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करके दिखाता हूँ। सिंपली देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसको ऐसे कराया, और अभी मैं इसको राइट करता हूँ, देख सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा राइट लेफ्ट अप डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभी हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो ये हमारा आ जाता है वॉइस का। तो वॉइस आपको वही सारा कुछ इसमें सेम मिल रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए वॉइस को भी हम वापस कर देते हैं बैक। तो यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलने को देखने के लिए मिलता है क्लिप ग्राफिक्स को। तो क्लिप ग्राफिक्स पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे वीडियो के बीच बीच में, जैसे अगर हम क्लिप्स जो होते हैं क्लिप्स के बीच बीच में जो इफेक्ट्स होते हैं हम उसको लगा सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, आप देख सकते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी मान लीजिए ट्रैवल एंड एक्टिविटी पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे हम इस पर राइट मारते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ये ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अभी मैं दूसरे बॉक्स पे, मतलब क्लिप दोनों क्लिप के बीच में मैं कोई और ऑप्शन लगा के दिखाता हूँ, जैसे टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट का। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर एक ये ऑप्शन लगा के दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखने के लिए मिल जाता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर फिर से चैनल का नेम, टैग ऐप, और ओके करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट का हम कलर चेंज करते हैं, क्योंकि वाइट पर हमें दिख नहीं रहा है, तो वाइट के बदले हम इसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू पर हम देखते हैं, तो ब्लू पे अभी हम कलर सेट करते हैं। पहले हम इसके नीचे का बैकग्राउंड कलर देखते हैं, तो बैकग्राउंड हमें ब्लैक बहुत अच्छे लग रहा है लगभग, और टेक्स्ट कलर हम इसका ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रीन हमने इसका भी टेक्स्ट कलर कर दिया है। ध्यान से आपको ये बीच वाला भी ध्यान में रखना पड़ेगा,
तो ये बीच वाला आपको रखना पड़ेगा और यहाँ से आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जैसे ही आप इसको राइट करेंगे, नहीं हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टेक्स्ट का आपको फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी ये वाला फॉन्ट कर दिया, और ओके करने के बाद में यहाँ से फिर हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये शो हो रहा है, तो मैं अभी आपको एक बार अगर वीडियो चला के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो जो है वो बन रहा है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो एक दो मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये तो हमारा टेक्स्ट वाला हो गया, और भी टेक्स्ट वाले बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट वाले थे, और आपको प्रेजेंटेशंस वाले कर सकते हैं आप बहुत सारे डिजाइन के साथ, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइंस मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत 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 अच्छे हैं इसमें 3D इफेक्ट्स वगैरह सारे कुछ हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके इफेक्ट्स वगैरह। चलिए मतलब फ़ोन के अंदर भी इतना ज़्यादा फीचर्स अब आने लगे कि PC की हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए मैं साथ में आपको और बता देता हूँ, फिर हम क्लिप पे क्लिक करते हैं। क्लिप पे क्लिक करने के बाद में आपको कलर फिल्टर में जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पर एडजस्टमेंट वही है कलर को एडजस्ट करने का। साथ में हमें एक और यहाँ पर नया ऑप्शन मिलता है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले ऑप्शंस पे ये होता है कि जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो के साइड में देख सकते हैं एकदम मतलब हल्का हल्का अंधेरा सा आ जाता। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको इसमें जितने ऑप्शन थे सब बता दिए हैं, और अभी इसमें मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नहीं हो, जो लगाओ नहीं पता हो आपको। साथ में एक और ऑप्शन मैं इसका राइट साइड वाला बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको अपनी जो क्लिप्स आपने ऐड करी है, नीचे देखिए ऐसे ऐसे करने की मतलब अप डाउन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पर राइट साइड वाले इस पर क्लिक करेंगे जैसे 3 लाइंस पे, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से आप अपनी क्लिप को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एडजस्ट हो जाएगी फिर आप लाइन्स पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, और अपनी वीडियो को पूरा का पूरा आप अच्छे से बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको पूरी वीडियो चला के दिखा देता हूं, जो भी मैंने इसमें इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये सारे ऑप्शंस मैंने इसमें लगा रखे हैं, और ये 3D इफेक्ट लगाया था मैंने आपके बाद में। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं सारा का सारा, और अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉकर हैं तो टिकटॉक के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, साथ में मैं आपको जाते जाते इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ये और बता देता हूँ मैं आपको। तो साथ में आपको आपको सबसे राइट साइड में सबसे टॉप पे एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप वीडियो के बैक में चले जाएंगे, वहीं पर आ जाएंगे जो आपका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे आने के बाद फिर आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी वीडियो आपको एक्सपोर्ट करनी है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से वीडियो को फिर से एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपने छोड़ा है वहाँ से दोबारा एडिट कर सकते हैं। प्ले पे अगर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो चलने लगेगी, शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद में डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो कॉपी हो जाएगी सेम टू सेम। साथ में अगर लास्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे डस्टबिन पे, तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। चलिए शेयर पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, शेयर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमें और सेटिंग आ जाती है कि अब आपको वीडियो का फ्रेम रेट क्या रखना है, रेजोल्यूशन क्या रखनी है, तो और बिट रेट क्या रखना है। रेजुलेशन हम 180 रहने देते हैं, आपको जो रखनी हो आप रख सकते हैं। फ्रेम रेट आपको 30 ही रखना है, 30 फ्रेम रेट रखना होता है। और ये जो हमारा बिट रेट है, बिट रेट को आपको 10 रखना होता है, या 10.4 मतलब 10 या 10 में ही रहने देना होता है। और उसके बाद में आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होके आपके मोबाइल के अंदर बिल्कुल आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं हमारी ये लाइन चलने लगी, एक्सपोर्टिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करें। ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।